Hello guys, welcome back to the channel. So this is the last episode of this Kashmir series, episode 4, Gulmarg. In this episode, we are going to explore the most beautiful hill station in winter times in Kashmir. So let's begin. तो श्रीनगर से निकल रहे हैं, ये हमारा होटल है. यहाँ से निकल के अब जा रहे हैं गुलमर्ग, वहाँ पे स्नो स्पोर्ट्स करेंगे. अभी खेलो इंडिया खेलो चल रहा था, इस वजह से पहले नहीं जा पाए. तो अब ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है जिसका नाम है गुलमर्ग, और वहाँ पे चलिए चलिए फिर चलते हैं. तो हम लोगों ने श्रीनगर से गुलमर्ग की जर्नी शुरू कर दी. गुलमर्ग पहलगाम के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा. और अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए और जल्दी से पूरी कश्मीर सीरीज देखिए. तो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी तनमर्ग, और उसके बाद हम लोग गए गुलमर्ग. Waking up too late for a Monday, feeling bad about my hangover Sunday, 'cause I didn't go to church and I didn't find God. तो गुलमर्ग जाते वक्त हम लोग आए हैं ये द्रंग वैली में. यहाँ पे द्रंग का मतलब है फ्रोजन वाटरफॉल, जो कि ऊपर है. बट ऊपर हम लोग जा नहीं रहे क्योंकि वाटरफॉल अभी फ्रोजन नहीं है. मार्च चल रहा है एंड वी आर जस्ट एंजॉइंग द व्यू ओवर हियर. यहाँ पे देखिए वो नदी बह रही है, वहाँ पे लिखा हुआ है डेंजर कि यहाँ नदी के पास मत जाएं, तो वहाँ नीचे नहीं जाएंगे. बट यहाँ पे पूरी चारों तरफ बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, पूरी बर्फ गिरी हुई है. नहीं जाना है नीचे तो नहीं जाएंगे, आगे चले. द्रंग मॉन्यूमेंट साइट. इसके बाद हम लोगों ने उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर किया, मैंने थोड़ी सी फोटोज खींची, एंड फिर क्या हमारे फाइनल डेस्टिनेशन को निकल गए जो था गुलमर्ग. तो हम लोग पहुंच गए हैं गुलमर्ग, और पीछे हमारा होटल है. हो रहा हमारा होटल बर्फ के बीच में. हम लोग पहुंच गए हैं गुलमर्ग के होटल में, चेक इन करने जा रहे हैं. अंदर चलते हैं एंड फिर बाहर निकलेंगे घूमेंगे. स्नोफॉल गाइस, दिस इज गुलमर्ग. हम लोग जा रहे हैं नीचे थोड़ा मज़े करने. आज हम लोग आए गुलमर्ग, कल पूरा दिन है तो कल सारे स्पोर्ट्स करेंगे, बट आज हम लोग ऐसे ही साइट सीन्स करेंगे और यहाँ पे घूमेंगे. तो इन्जॉइंग इन स्नो. अभी स्नोफॉल हो रहा था, स्नोफॉल होता रहता है. बादल आते हैं, स्नोफॉल होता है, फिर सूरज आ जाता है, फिर बादल आते हैं, फिर स्नोफॉल होता है, फिर सूरज आ जाता है. तो चलिए चलते हैं, थोड़ा मज़ा करते हैं. सो वी आर गोइंग टू इग्लू कैफ़े. हम लोग एशियाज़ फर्स्ट इग्लू कैफ़े में जाएंगे जो कि है गुलमर्ग में. तो इग्लू की एंट्री फीस पर पर्सन 100 रुपीज़ है. दिस इज इग्लू कैफे. तो ये है इग्लू कैफे, और यहाँ पे मिलता है कावा, कश्मीरी कावा. तो ये रहा कश्मीरी कावा, हम लोग पियेंगे कश्मीरी कावा. ये एशियाज फर्स्ट इग्लू कैफे, और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं. दिस इज इन गुलमर्ग, आप भी आइए एंजॉय करिए. चेस गाइज, ये है गुलमर्ग की मार्केट. यहाँ पे ये सारी शॉप्स हैं जो आप लोगों को दिखेंगी. तो यहाँ से आप लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो, मैगी खा सकते हो. एंड देन आगे एक राउंड में है गुलमर्ग, यहाँ पे ये पूरा पूरा राउंड है. तो ये मंदिर है गुलमर्ग का. तो 1950 में महाराजा हरि सिंह ने ये मंदिर का निर्माण किया था यहाँ पे गुलमर्ग में.
तो हमने यहाँ पे केयर टेकर से बात करी एंड ही टोल्ड अस ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. तो बस यही है इस मंदिर की हिस्ट्री और अब आगे चलते हैं अपने होटल में. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग चल दिए स्नो स्पोर्ट्स और गंडोला राइड करने. हम लोग निकल गए स्नो स्पोर्ट्स करने और बस वी आर रेडी. अभी हमारे गाइड साहब तो हमको ले जा रहे हैं स्नो स्पोर्ट्स कराने. चलिए चलते हैं. Feel the seconds ticking, nothing's getting any better. We were up all night, spending all of our time. Dancing around three words, we were doing just fine. Started with picking fights just to keep it alive. How did we get to where our friends are picking a side? Holding hands, driving way too fast, past the warning signs. Now it's all on the line. Seasons change, but I don't want them to change us. In these days, you've been saying my name different. So afraid to see us fall, but it's imminent. If I'm being honest, I'm not ready for this winter weather. Feel the seconds ticking, nothing's getting any better. See it all coming down, guess we'll be going down together. I'm not ready for this winter weather. I'm not ready, I'm not ready. First phase से आ चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे second phase. वो एकदम पहाड़ की चोटी पे है, वहाँ से जा रहे हैं. तो पहले हम लोग सेकंड फेज पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा चिल मारते हैं, वहाँ से शायद इंडियन पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखता है एंड देन फिर वापस आएंगे फर्स्ट फेज. हम हैं सेकेंड फेज पे गुलमर्ग में और ये ही है ड्रीम वर्ल्ड. ये है जो ख्यालों में आता है, ये है जो सपनों में आता है, यही है वो जगह जो हम रात को ड्रीम करते हैं. ऐसी जगह जाने के लिए मैं हमेशा हमेशा ड्रीम करता था और मैं आखिरकार उस जगह पे हूँ जहाँ पे पूरी बर्फ़ है सामने, एकदम बर्फ़ के पहाड़. मैं भी बर्फ़ के पहाड़ पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. क्या जगह है, दिस इज़ फैसिनेटिंग. आइस, स्नो एवरीवेयर, वी आर ऑन द माउंटेन टॉप. इसीलिए ट्रिक्स फॉर सोल का चैनल का जन्म हुआ, क्योंकि मुझे ऐसी जगह जाना बहुत पसंद है और यहाँ पे आराम से थोड़ी देर बैठेंगे एंड फिर आगे जाएंगे. सर मेरी राइट हैंड में, हाँ. अगर हम यहाँ से ट्रैक करके जाएंगे तो आगे कम से कम 2-2.5 किलोमीटर के बाद एक लेक आता है जिसको फिरोजन लेक कहते हैं. उसके लिए यहाँ पे फॉरेनर आते हैं जो ट्रैक करके आते हैं गुलमर्ग से. अच्छा, नीचे की मेन गुलमर्ग के पास है. भाई लोग ये फ्रेश स्नो है, कल रात को ही गिरी थी, तो हम लोग माउंटेन की पीक पे हैं इसलिए फ्रेश स्नो. नीचे तो काफ़ी दिनों से गिरी हुई स्नो है तो वो पता लगता है. दिस इज प्योर वाइट एंड फ्रेश स्नो. वाह. उसके बाद हम लोगों ने उस जगह को थोड़ी देर के लिए एक्सप्लोर किया एंड फिर गंडोला से चल दिए फेज वन की ओर. I'm not ready for this winter weather.
सेकंड फेज में तो बर्फ भी गिरी हुई है, बर्फ 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 बर्फ। ये ले, चलो 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 चलो। हम लोग आ चुके हैं फेज वन पे और यहाँ पे हम लोग करेंगे स्नो स्पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी सी जगह है जहाँ पे स्नो स्पोर्ट्स होते हैं। ऊपर हम लोगों ने खूब नज़ारों का मज़ा लिया फेज टू पे, एंड यहाँ पे अब स्नो स्पोर्ट्स होंगे। एक होता है विद टीचर विदाउट टीचर, अगर आप खुद करोगे हम लोग आपको हर इक्विपमेंट देगा, जैसा शूज होता है, स्कीज होता है, सीडिक्स होता है, ठीक है ना। मॉस्टर के बगैर आपको पड़ेगा 1650 विदाउट टीचर, विद टीचर करेगा 2550 मॉस्टर आपको हमारा साथ। तो मुझे तो स्कीइंग आती नहीं थी, तो हम लोगों ने विद टीचर वाला प्लान लिया और फिर मैंने स्कीइंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। हाँ ऐसा, आपको मेंटेन करना है, ठीक है। किसमें कितना गैप? स्की में। अच्छा हाँ, और नीज आपने यूं बेंड रखने हैं, ठीक है। okay. जो शिन बोन है ना आगे शूज के साथ आपके टच रहनी चाहिए, ठीक है। एंड यू नीड टू बेंड योर बॉडी लाइक दिस, लाइक दिस, ओके। एंड आपको यहाँ से पुश करना है मिडल ऑफ द शूज, यहाँ से नहीं, ठीक है, मिडल ऑफ द शूज, मिडल ऑफ द शूज, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी पुश करेंगे ठीक है, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको पुश करना है। आप जो ही पुश करेंगे ना, यूर स्की स्लाइड्स टुगेदर लाइक दिस, ओके। लेकिन आपको वजन आगे रखना है और नजर सामने, और हल्का हल्का पुश करना है आपको सर आराम, क्योंकि बैलेंस के लिए। एंड सीधी कैसे रहती है? हाउ टू कीप इट स्ट्रेट? सब बताएंगे, आप बस ऐसा पुश करते रहो, दिस इज गुड, वाओ। अभी आप पुश मत करो, अभी ये खुद जाएगा यहाँ से। अच्छा, बैलेंस बनाना है, ऐसे बैलेंस आप बनाओगे उसके बाद हम आपको बताएंगे करना क्या है। अभी आप पुश फिर से करना है दूम से, ऐसे ऐसे, ओके बस। हाँ बस, अभी राइट वाले स्टिक से प्रेस करोगे ना आप लेफ्ट में जाओगे। हाँ राइट वाले स्टिक से जाते जाते लेकिन होगा तो रुकने, हाँ राइट वाले स्टिक से प्रेस ये जाएगा। आराम से करो, आराम से राइट वाले स्टिक से प्रेस, हाँ वजन आगे सर, आगे वजन आगे। और फाइनली मैं स्कीइंग करना सीख गया। फिर क्या था, मैं स्कीइंग करने लगा। अच्छा सर, तो कैसा लग रहा है अभी आपको स्की करके? बहुत बढ़िया, मैं एक बार भी गिना रही। ₹740 है गंडोला का, वो जो पीछे है फर्स्ट फेज के लिए, एंड सेकंड फेज के लिए 950 है। अब जो गंडोला है उससे हम लोग अब आए यहाँ पे, एंड वापस से गंडोला से वापस जाना विल नॉट बी एन एडवेंचर रहा यार। मतलब नीचे काफ़ी शेफर्ड्स के हट्स हैं, जंगल पड़ेगा, तो काफ़ी चीज़ें पड़ेगी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग स्लेज से जा सकते हो, स्लेज से जाओ। स्लेज का 2500 बोलते हैं, ₹2000 आप थोड़ा सा इनसे नेगोशिएट कर लो, तो हम लोग को 2000 पड़ा, एंड ₹2000 में हम लोग स्लेज से नीचे जाएंगे। वो ज़्यादा फन है और उसमें नई नई जगह भी देखने को मिलेगी। तो इफ़ यू आर एन एक्सप्लोरर, आप अगर घूमने आए हो तो पूरा बजट बना के आओ, एंड इट विल बी वर्थ योर मनी। मतलब गंडोला से आप सेकेंड फेज पे जाओ, वापस आओ, बट नीचे मैं बोलूँगा कि स्लेज से ही जाना। शुरू होती है स्लेज की राइड और ये मस्त है, इसी में मजा है। तो स्लेज से आते वक्त ये एक पॉइंट है जहाँ पर शेफर्ड्स के घर हैं, गर्मियों में वो लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी तो सर्दी चल रही है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। तो अगर आप स्लेज से आते हो तभी आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को एक्सपीरियंस कर सकते हो, और
बस मजा लीजिए स्लेट से, क्योंकि स्कीइंग हम ऊपर से नीचे नहीं कर सकते, बट हाँ वहां से हम लोग नीचे आ सकते हैं स्लेट से, तो दैट इज द फन विच वी आर डूइंग। और इसी में मजा है, अलग अलग पॉइंट्स जितना घूम सकते हैं घूमिए है। और ये भी एक पॉइंट है जिसको कवर कर रहे हैं, और ये भी एक जगह है जिसको देख रहे हैं, तो यही फन है यार। मतलब इतनी दूर से हम लोग आते हैं तो हर एक पॉइंट हर एक जगह कवर करने की इच्छा रखते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। यू गॉट मी हाई हाई ओ, यू शो मी लव 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 लव, कैन गेट इनफ नफ नो नो, बेबी यू पॉप मी, यू पॉप मी, यू गॉट मी गुची, यू गॉट देम बॉयज ऑन द प्रेशर, यू लाइक अ मूवी, आई एम डाउन टू लव यू फॉरएवर, एंड गॉट टू लूज इट, यू गॉट मी गुची, यू गॉट मी गुची। स्लेट से वापस आ गए और अब जा रहे हैं अपने होटल की ओर, तो चलिए साथ में बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी जिसने नहीं किया है उसके लिए। तो भाई लोग गुलमर्ग अगर आते हो ना तो आपको गाइड करना तो जरूरी है, वो हर जगह घुमाते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं शफाक मियां, मतलब A1 सर्विस मिलेगी आपको, कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। मतलब हम लोग को इतने अच्छे से घुमाया शायद ही कोई होगा पूरे गुलमर्ग में जो इस तरीके से हमको घुमाता होगा, और पूरा केयर किया हम लोग का ऊपर से लेकर नीचे तक, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होने दी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू शफाक मियां। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही, थैंक्स। तो इनका नंबर जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो किसी का भी अगर प्लान है गुलमर्ग आने को आप इनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हर चीज़ जो शुरू होती है वो ख़त्म भी होती है, इसी तरीके से हमारी कश्मीर की जर्नी यहीं ख़त्म होती है। आते वक्त मौसम ख़राब था तो केवल बादल दिखाई दे रहे थे, पर जाते वक्त पूरा मौसम क्लियर था, थोड़े बहुत बादल थे, फिर भी मुझे फ्लाइट से बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दिए और वो बहुत ही अच्छा लगा। ये जर्नी मेरी करीब 9 दिनों की थी, अपनी पूरी जर्नी मैंने आयाम ट्रैवल्स से पूरी करी। जो पैकेज मैंने सेलेक्ट किया था उसमें मेरा स्टे, फूड, ट्रांसपोर्ट सब इंक्लूडेड था। आई ओनली हैड टू स्पेंड फॉर माय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर इंक्लूड कर दिया है, सो अगर आप लोग चाहते हो अपना ट्रैवल आप इस कंपनी से भी बुक कर सकते हो, अपना पैकेज डिज़ाइन करवा सकते हो, जैसे भी आप लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर फाइनली हमारी कश्मीर ट्रैवल सीरीज़ ख़त्म होती है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।